एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई क्लाइंट अपने एडवोकेट के थ्रू किसी भी कोर्ट में केस फाइल करता है या किसी ट्रिब्यूनल में केस फाइल करता है और वो केस हार जाता है या तो उसके केस को डिसमिस कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या वो अपने एडवोकेट के अगेंस्ट जिला फोरम में केस फाइल करके मुआवजे की मांग कर सकता है कि आपने इस केस में लापरवाही की है, आपने इस केस में सही से सर्विस नहीं दी है जिसकी वजह से मैं केस हार गया हूं और मुझे आपसे मुआवजा चाहिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है इसको हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया दोस्तों, उस केस का नाम है नंदलाल लोहरिया बनाम जगदीश चंद पुरोहित और अन्य का। इस केस में दोस्तों, नंदलाल लोहरिया ने बीएसएनएल के खिलाफ तीन केस फाइल किए थे अपने तीन एडवोकेट के थ्रू जिला फोरम में, जिसमें जिला फोरम ने तीनों केस के उनको डिसमिस कर दिया था। जब उनका केस डिसमिस कर दिया गया तो उन्होंने अपने तीनों एडवोकेट के अगेंस्ट जिला फोरम में केस फाइल करके 15 लाख रुपए की मुआवजे के रूप में मांग किया। जिस मामले को जिला फोरम में देखा और इस मामले को उसने डिसमिस कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में गए, वहां पर उसने भी इस मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में गए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भी इस मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो एडवोकेट केस हारे थे वो उस केस में एडवोकेट की कोई लापरवाही नहीं थी, एडवोकेट के सेवा में कोई कमी नहीं थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई भी मामला किसी भी कोर्ट में आता है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या किसी ट्रिब्यूनल में ही जाता है, तो दो पार्टियां जाती हैं और दोनों पार्टी की तरफ से एडवोकेट होते हैं जो केस को लड़ते हैं। तो ऐसे में कोई एक पार्टी केस जीतती है और कोई एक पार्टी केस को हार जाती है। कोई भी कोर्ट जो फैसला सुनाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई भी ट्रिब्यूनल हो, वो गुण और दोष के आधार पर फैसला सुनाता है। एविडेंस को देखता है कि किसका एविडेंस स्ट्रोंग है और कौन किसका एविडेंस जो है वो सही है, तो उसके हिसाब से फैसला होता है। इसमें किसी भी एडवोकेट की कोई भी गलती नहीं होती है। तो अगर कोई भी पार्टी केस हार जाता है तो एडवोकेट के अगेंस्ट वो जिला फोरम में जाके केस नहीं कर सकता है कि आपने लापरवाही की है, आपने सर्विस में कमी की है। इसमें वकील की कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि फैसला देना वो कोर्ट का काम है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, फैसला देना हमेशा कोर्ट का काम है और जज का काम है। वकील सिर्फ आपकी तरफ से केस लड़ते हैं, जो आप एविडेंस उनको देते हैं उस एविडेंस को वो कोर्ट के सामने रखते हैं और कोर्ट गुण और दोष के आधार पर एविडेंस को देखते हुए फैसला सुनाती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी पार्टी केस हारती है तो वो किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट जिला फोरम में जाके केस फाइल नहीं कर सकता है। इसमें एडवोकेट की कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जो भी फैसला होता है वो कोर्ट का होता है और जज का होता है। इसमें एडवोकेट की कोई भी गलती नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।